आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी वीडियो नहीं लाई हूँ। आज डिशवाशर में कैसे हम बर्तन को साफ़ करेंगे और डिटेल्स इसका जानकारी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर है डिशवाशर, इसको हमने ला के एक महीना हो गया है, तो एक महीने के बाद मैं ये रिव्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे दो स्टैंड है, दो रैक दिया गया है, इसमें अपर रैक है और यहाँ पर है स्पून वगैरह धोने के लिए, और यहाँ प्लेट, ग्लास, कप, मग वगैरह तो ऐसे दिया गया है जिसमें आपकी एडजस्ट कर सकते हैं आपके अनुसार। आप चाहे तो इसको खड़ा रख सकते हैं या फिर फ्लैट कर सकते हैं। इसमें फ़ैन दिया गया है और इसी फैन से बर्तन साफ़ होता है। अभी ये नीचे वाला रैक है, नीचे वाले रैक में भी एक फ़ैन दिया गया है नीचे, और यहाँ प्लेट वगैरह रखने के लिए, और यहाँ भी रैक दिया गया है जैसे कि आपके अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्लैट रखें या फिर खड़ा भी रख सकते हैं। तो अभी हम डोर का ऑप्शन में देखेंगे डोर में क्या क्या दिया गया है। डोर में है यहाँ डिटर्जेंट पाउडर डालने के लिए एक बॉक्स दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिक बॉक्स है, और यहाँ पर रिनसेट डालने के लिए एक बॉक्स दिया गया है, तो इसमें रिनसेट डाला जाता है। और ये इधर साइड में डिटर्जेंट पाउडर या फिर जो कंबाइन मिलता है केक, वो वाला डालते हैं। ये ऑटोमेटिक है, एक बार आप पुश कर देंगे तो ये बंद हो जाता है, फिर ये लेफ्ट साइड का जो बटन है इसको दबाने से ऑटोमेटिक खुल जाता है। अभी हम इसका वॉशिंग मोड देखेंगे। वॉशिंग मोड में 6 ऑप्शन दिया गया है। इसमें है इंटेंसिव कढ़ाई, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो, और यहाँ है इको, और क्विक, और प्री रिंस। तो इन सभी का अलग अलग टाइमिंग है। इसके अलावा और 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है। तो इन सभी मोड का अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि आप इंटेंसिव कढ़ाई में डालेंगे तो 1 आवर 30 मिनट्स टाइम लेगा, और एक्सप्रेस स्पार्कल में हम डालेंगे तो 59 मिनट्स ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद ऑटो में डालेंगे तो 1 आवर 20 मिनट्स टाइम लेगा, और इको में आप डालेंगे तो 1 आवर 25 मिनट्स लेगा, क्विक में 29 मिनट्स ही लेता है, और इसके साथ आप कंबाइन करके एक्स्ट्रा ड्राई जो है डाल सकते हैं। प्री रिंस में ओनली 15 मिनट्स लेता है। क्विक वॉश जो है ये थोड़ा कम गंदा बर्तन को इसमें साफ कर सकते हैं, और इंटेंसिव कढ़ाई आप जब इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा गंदा बर्तन रहेगा तभी आप इसको इस्तेमाल करें। मैं हमेशा एक्सप्रेस स्पार्कल या फिर ऑटो में या फिर क्विक और एक्स्ट्रा ड्राई डाल के मैं वॉश करती हूँ। अभी इसमें दिया गया है 2 ऑप्शन। ये डिले वॉश का है, आप इसमें सेट कर देंगे तो 1 घंटा 2 घंटा जितने घंटे बाद भी ये वॉशिंग मशीन में जैसे आप सेट करते हैं उसी हिसाब से सेट मतलब होता है। तो यहाँ पे पानी का चेक करने के लिए दिया गया है, यहाँ 3 बटन रेड लाइट जलता है, अगर पानी नहीं आ रहा है तो इसमें बटन दिखाएगा, और इधर सॉल्ट नहीं है और इधर रिनसेट ख़त्म हो गया है तो ये बटन दिखाता है। तो अभी इतना सारा बर्तन है मेरा गंदा बर्तन, और इन सभी को थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लेना है पानी में। बहुत ज़्यादा चावल वगैरह दाल जो भी आप खाते हैं बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे ही पानी में धो के ही इसमें डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आप डालेंगे तो ये साफ़ कर देगा लेकिन इसका जो फिल्टर है बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा और आपको ही साफ़ करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो इसमें मैं बर्तन लगा रही हूँ। ऊपर वाले रैक में हमने प्लेट वगैरह, छोटा छोटा प्लेट है, छोटा ये कटोरी है, चम्मच है, इस तरीके की बर्तन हम इसमें डालेंगे। अभी इस रैक में कप, मग वगैरह, चाय पीने वाले कप, मग, दूध पीने वाले मग, इस तरीके के बर्तन हम ऊपर डालते हैं। तो पीछे जो रैक है इसमें छोटा छोटा मैं प्लेट डाल दूंगी, तो इसको मैं सेट करने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे इस तरीके से जो स्टैंड है इसमें ग्लास डाल देंगे, और ऊपर वाला रैक मैंने सेट कर लिया है, फिर नीचे का जो रैक है लोअर रैक इसमें हम बड़ा बर्तन डालते हैं, जैसे दूध का बर्तन, चाय पीने वाला सॉस पैन, और बड़ा बड़ा जो कटोरी होता है, और प्लेट वगैरह इसमें सेट करते हैं।
और बर्तन लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी बर्तन आप इसमें रख रहे हैं, बड़ा वाला बर्तन या फिर छोटा कटोरी, उसको पलट के ही रखें, सीधा नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आप पलट के रखेंगे तो प्लेट को इस तरह से इसमें स्लंटिंग रखना है, लेकिन बड़ा बर्तन को पलट के रखना है। तो इसमें मैं सेट करने के बाद दिखाती हूँ। ये हो गया है अभी सेट। अभी इसको हम इस तरह से पुश कर लेंगे, और मशीन को चलाने से पहले ये दो फैन दिया गया है, इसको आप चेक कर लें इसे घुमा के कि ये अच्छे से मूवमेंट हो रहा है तो अच्छा है, और अगर बर्तन में लग रहा है तो बर्तन को अच्छे से सेट करके ही ऑन करें। अभी मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल दूँगी। इसका दो ऑप्शन रहता है, एक तो डिटर्जेंट और रिंसेड दो डाल सकते हैं, और एक जो है टैबलेट मिलता है वो सिर्फ एक ही डाला जाता है। तो इसको क्लोज करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा कितने डिग्री में ये धोता है। देखिए, इंटेंसिव कढ़ाई में 70 डिग्री, एक्सप्रेस स्पार्कल में 65, फिर ऑटो में 65, इको में 50, क्विक में 45 डिग्री इतना गर्म पानी में आपका बर्तन को साफ करता है, प्री रिंस में ठंडा पानी में साफ करता है। तो एकदम हाफ बॉइल्ड पानी में ही साफ करता है डिश वॉशर। तो इसको हम ऑन करेंगे, और अब मैं तो एक्सप्रेस स्पार्कल ही लगाऊंगी। जो आपका मोड सिलेक्ट करना है उसको दबा के फिर इसको ऑन कर देना है। इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप कोई भी चीज़ भूल गए तो इसमें चलते समय भी खोल के कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं बाद में। तो जहाँ से आपका प्रोग्राम सेट हुआ है वहीं से फिर से दोबारा स्टार्ट होगा। अगर इलेक्ट्रिक चला भी गया तो भी ये जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट, जो प्रोग्राम आपने सेट किया है जहाँ से बंद है वहीं से स्टार्ट करेगा। तो मैं लगभग 1 आवर के बाद खोल के देख रही हूँ। तुरंत आप ना खोलें, तुरंत खुलने से ये बहुत ज़्यादा भाप रहता है और एकदम सैनिटाइज हो के निकलता है इसमें से बर्तन। गर्म पानी में एकदम क्लीन हो जाता है। तो देखिए, इसमें कप, मग और ये जो भी है छलनी वगैरह, ये सभी साफ़ हो गया है। इसमें स्पून बहुत अच्छे से साफ़ होता है, एकदम क्लीन, सैनिटाइज और शाइनिंग हो रहा है। मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखिए, चम्मच सभी शाइनिंग हो रहा है और गर्म पानी में सैनिटाइज हो गया है। तो मैन्युअली आप इस तरीके से साफ करेंगे तो इतना ज़्यादा साफ बर्तन आपको नहीं मिलेगा। ये स्पैचुला है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली था, ये भी अच्छे से साफ हो गया है। और पीछे वाला हम प्लेट देखेंगे कि ये कैसे साफ हुआ है। ग्लास वगैरह भी अच्छे से शाइनिंग हो रहा है। देखिए, पीछे जो मैंने प्लेट रखा था ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है। कटोरी वगैरह बहुत अच्छे से साफ होता है इसमें। देखिए कड़छी, इसमें बहुत ज़्यादा दाल वगैरह तेल रहता है तब भी ये अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी हम लोअर रैक में देखते हैं कि ये कैसा क्लीन हुआ है। आप लोअर रैक में ही बड़ा वाला बर्तन रखें और अपर रैक में छोटा छोटा कप और छोटा कटोरी वगैरह। ये देखिए, ये वाला बर्तन शाइनिंग हो रहा है। और जो दूध का बर्तन है और चाय वाला बर्तन है उसको थोड़ा सा स्क्रब करके ही डालें। और ये देखिए, सॉसपैन चाय की, ये एकदम शाइनिंग हो रहा है और क्लीन हो चुका है। अभी हमारा बड़ा प्लेट देखेंगे, ये भी शाइनिंग है, अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये दूध वाला बर्तन था, इसको थोड़ा सा मैंने स्क्रब करके ही डाला था। अगर स्क्रब करके नहीं भी डालेंगे और इंटेंसिव कढ़ाई में डालेंगे तो अच्छे से क्लीन कर देगा, फिर भी आप थोड़ा सा स्क्रब करके ही डाल दें तो एक ही बार में अच्छे से क्लीन करके दे देगा। ये ट्रे वगैरह देखिए, ये साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, ये भी क्लीन हो गया है।
तो बर्तन हमारा अच्छे से इसमें धुल जाता है। इसमें दो तीन बात आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या क्या यूज होता है और इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, ये सभी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपके जहाँ रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ख़रीद सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी जो काम है उसको देखा जाए, उसके हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगता। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं इसमें कौन सा डिटर्जेंट पाउडर और कौन सा सॉल्ट और इसमें रिंसड कौन सा डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी और कितना खर्चा इसमें लगता है, वो वाला डिटेल्स मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगी।